नमस्कार, जराहट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जन्माष्टमी 2019, आज जन्माष्टमी की रात हर व्यक्ति को 5 उपाय जरूर करने चाहिए। पैसों की किल्लत छू मंतर हो जाती है, आप भी इन अचूक उपायों को जरूर करें। ये जन्माष्टमी वाले दिन ही किए जाते हैं और साल में एक बार ही जन्माष्टमी आती है, कहीं आपके हाथ से ये उपाय निकल ना जाए। आप इन उपायों को जरूर जानें और उसी के अनुसार ही आपके कार्य करें। अगर घर में पैसों की तंगी होने लगी तो अक्सर घर का माहौल खराब होने लगता है, इससे घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और यदि ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ अचूक उपाय आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर की खोई हुई खुशियां वापस आ जाएंगी। तो आइए जानते हैं ये उपाय कौन कौन से हैं। इस बार हम आपको बताना चाहते हैं, उपाय बताने से पहले, इस बार जन्माष्टमी 24 अगस्त के दिन सभी मंदिरों में मनाई जा रही है और भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए 24 अगस्त को इस साल रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इसलिए इस साल जन्माष्टमी जो मंदिरों में मनाई जाएगी वह 24 तारीख को मनाई जा रही है। आप इस दिन मंदिरों में अच्छी अच्छी झांकियां देख सकते हैं, बच्चों के जन्माष्टमी के ऊपर अच्छी सी कलाकारी देख सकते हैं, उनका डांस देख सकते हैं, ये बेहद ही मनमोहक दृश्य होता है। तो आप आज के दिन मंदिर दर्शन करने जरूर जाएं और श्री कृष्ण की झांकियां जरूर देखें और भगवान श्री कृष्ण को आज रात 12 बजे ये 5 उपाय जरूर कर लें। आपके जितने भी पैसों के संबंधित परेशानियां हैं, पैसों की किल्लत है, वह जरूर दूर हो जाएगी। आइए जानते हैं, पहली चीज है शंख। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का अभिषेक एक शंख में दूध डालकर करें। अभिषेक के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा करने से प्रभु खुश रहते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी भी खुश होकर आपकी सभी इच्छाओं का वरदान देती है। दूसरी चीज है फल और अनाज। जन्माष्टमी के दिन गरीबों को फल और अनाज दान में देना चाहिए, इससे आपका व्रत सफल होता है, आपको सुफल की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज है तुलसी। भगवान कृष्ण को तुलसी बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इसलिए भोग में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अगली चीज है माखन मिश्री। हर कोई जानता है कि भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत ज्यादा पसंद थी। माखन और मिश्री का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न होती हैं और मन चाहे फल की प्राप्ति देती हैं। अगली चीज है पीले वस्त्र। कान्हा जी को पीले वस्त्र बहुत पसंद थे, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाए, इससे कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं और वस्त्र के साथ मोर पंख लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये था, आज हमने आपको बताया जन्माष्टमी की रात आप इन 5 उपायों को जरूर कर ले, आपकी पैसों की किल्लत और धन संबंधी किल्लत सभी दूर हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को काफी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आया तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।